आप सभी को नमस्ते, मैं रवि कुमार कुछ ताजा खबरों के साथ आपके सामने मौजूद हुआ हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के लिए ऑन कैंपस क्लासेस फरवरी 8 तारीख से शुरू हो रही है। क्लास की अवधि सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक रहेगी। विजिलेंस ने बेलपहाड़ के अबकारी एसआई देवेंद्र कुमार पहराज के कार्यालय के समेत 4 जगहों पर रेड किया। रेड के दौरान करीब 1,17,96,205 रुपए तक की संपत्ति बरामद की गई। आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, आरटीओ झासुरा ने ऑनलाइन के माध्यम से नए लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। दुर्लगा समवाय समिति के किसानों ने अपने धान बिक्री की समस्या को लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। उनका कहना था कि पिछले साल ओडिशा सरकार द्वारा 32 क्विंटल धान खरीदा गया था, लेकिन इस साल केवल 27 क्विंटल धान खरीदा गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के EIRC के झारसुगड़ा ब्रांच द्वारा होटल उत्कर कॉन्टिनेंटल में बजट सेमिनार का एक बैठक किया गया था। करनी सेना की तरफ से बेलपहाड़ कल्याण मंडप में प्रतीक्षा दिवस का पालन किया गया। इस कार्यक्रम में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अमू और राष्ट्रीय अध्यक्षता प्रीति राठौर उपस्थित थे। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय विजन केयर नियर कनक दुर्गा मंदिर मेन रोड झारसुगुड़ा। फॉर मोर ऑफर्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग विजिट नाउ। ग्राम समृद्धि ट्रस्ट शिशु गुरुकुल की तरफ से झारसुगुड़ा कुरेमाल में एजुकेशन ड्राइव किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। झारसुगुड़ा में बीते 24 घंटे में ठीक हुए 9 कोविड के मरीज। अब तक कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पहुंची 7,727 तक। अब झारसुगुड़ा में एक्टिव केस 27। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे भारत झारसुगुड़ा के फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब चैनल को।